या महान ग्राम सभेसाठी उपस्थित सर्व ग्रामस्थ पाहुणे मंडळी आपण सर्वांचं पुन्हा एकदा राळेगण सिटी परिवाराच्या वतीने सहर्ष स्वागत। या ठिकाणी अन्नाचं आंदोलन सुरू असताना प्राध्यापक राजेश सरकटे आणि त्यांची पाच भावंड यांनी खास आंदोलनाचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी अशा प्रकारे गाडीवरती स्टेज तयार केला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर लोकगीतांचा कार्यक्रम जनलोकपालाचा जागर करत ही पाच भावंड महाराष्ट्रभर फिरत होती। आजही ते या ठिकाणी आलेले आहेत। आपण त्यांचे राळेगण सिटी परिवाराच्या वतीने सहर्ष स्वागत करूया आणि मी प्राध्यापक राजेश सरकटे यांनी खास या प्रचारासाठी आपली प्राध्यापक पदाची नोकरी सोडून दिली आणि त्यांनी या आंदोलनामध्ये झोकून घेतलेलं आहे आणि त्यांनी अन्नांवरती काही गीत रचलेली आहेत। मी प्राध्यापक सरकटे सरांना विनंती करतो की त्यांनी अण्णांवर लिहिलेली जी चार गीत आहेत ती या ठिकाणी सादर करावी। दोन अण्णांवरती लिहिलेली गीत आहे ती आपण सादर करावी। मी सर्वप्रथम एक मिनिट हा सर्वप्रथम आपण राळेगण सिटी परिवाराच्या वतीनं या ठिकाणी दिल्लीचे तख्त राखून छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर 350 वर्षांनी महाराष्ट्राला जो मान मिळाला तो आपल्या सर्वांचं दैवत थोर समाजसेवक डॉक्टर साहेब अण्णासाहेब हजारे यांनी दिल्लीचं तख्त हादरवलं आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई जिंकून अण्णा राळेगण सिटीच्या शांतिनिकेतन मैदानावरती आलेले आहेत। म्हणून आपण सर्वांच्या वतीनं राळेगण सिटी परिवाराच्या वतीनं आदरणीय अण्णांचा या ठिकाणी सत्कार होईल। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तस्वीरें लगातार हम आप तक राळेगण सिटी से पहुंचा रहे हैं। जहां अन्ना के ग्राम सभा को संबोधित करने का इंतजार चल रहा है वहां पर लगातार उनसे मिलने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मंच पर पहले उनकी आरती उतारी गई, उन्हें तिलक लगाया गया, फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति को आगे बढ़ाने की जो मशाल जला रखी है उन्हें उसमें वो उसे जलाया गया और उसके बाद अभी भी लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। कई लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं और हजारों की संख्या में जो भीड़ मौजूद है वो इंतजार कर रही है इस वक्त कि अन्ना हजारे उनसे बात करेंगे, उनकी सेहत के बारे में जानकारी मिलेगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि अन्ना आज लोगों से क्या कहते हैं, क्योंकि आज सुबह जब वो बाहर आए थे तो थोड़ी देर लोगों से मिलने के बाद वो तुरंत अंदर चले गए थे। क्या उनकी सेहत ठीक नहीं है या फिर वो क्यों लोगों से मिलना नहीं चाह रहे थे उस वक्त, ये अभी तक साफ नहीं किया। अन्ना उस बारे में भी कुछ बताएंगे, इसका भी लोगों को इंतजार है। लेकिन अभी फिलहाल उनका स्वागत किया जा रहा है, पहले आरती की गई, अब उन्हें शॉल दी गई है, सम्मान किया जा रहा है अन्ना हजारे का। सर्व कलाकारांच्या मनातले स्फुल्लिंग पेटतात आणि उठावर शब्द। इसके पहले अन्ना हजारे ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर माला चढ़ाई और उनसे भी एक बार आशीर्वाद लिया और जब जब अन्ना हजारे अपने अनशन पर बैठने के पहले भी किसी अहम मकाम पर रहे हैं उन्होंने महात्मा गांधी को याद किया है और यहाँ पर दिल्ली में राजघाट पर भी गए थे वो अपने अनशन के पहले और आज भी जब वो ग्राम सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं तो उन्होंने मंच पर महात्मा गांधी की तस्वीर पर माला चढ़ाई है, उनका आशीर्वाद लिया है और अब इंतजार सबको कि अन्ना ग्राम सभा को संबोधित करें। इसके अलावा दो तस्वीरें आप बाई तरफ देख रहे हैं, एक महाभोज की तस्वीर है जो कि आज राळेगण सिटी में हुआ है और हजारों की संख्या में जो लोग मौजूद थे उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया है। स्वागत अण्णांचं आगमन झालंय, त्या प्रचंड टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया। Thank you.
माणसाच्या हृदयात एवढेच शब्द आहेत की अंधार होत चाललाय एक दिवा पाहिजे, अंधार होत चाललाय एक दिवा पाहिजे, या भ्रष्टाचारी लुटारूंना संपविण्यासाठी अण्णांसारखा शेर शिवा पाहिजे। विनंती करेन अण्णांना साठविण्यासाठी, त्यांचे विचार साठविण्यासाठी आपण आला आहात। आज राळेगणचा हा लोहपुरुष आदरणीय अण्णांच्या सन्मानात मी सर्वांना विनंती करेन की सर्वांनी आपले दोन्ही हात वर करावेत, अगदी सर्वांनी दोन्ही हात वर करावेत आणि प्रचंड टाळ्यांचा कडकडाट अण्णांसाठी करावा। जय जय महाराष्ट्र। अन्ना के स्वागत की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं रालीगंज सिद्धी से। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट आप सुनिए जब एक साथ हजारों लोग अन्ना के स्वागत में तालियां बजा रहे हैं। भूपेंद्र हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, अन्ना के बोलने का इंतजार चल रहा है। भूपेंद्र आप तो खुद वहां मौजूद हैं, किस तरीके का माहौल है आप उसे महसूस कर पा रहे होंगे? बिल्कुल, ये अनुभूति महसूस करने में भी बहुत अच्छी लग रही है। जिस तरह से यहाँ पर लोग आए हैं और जिस तरह से वो अन्ना का स्वागत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे राम जो है वो कहीं वनवास करके या फिर रावण का रावण को हरा के युद्ध जीत के जब अयोध्या लौटे थे, उसी तरह का बिल्कुल माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है लोगों को जैसे भगवान आ गया है। कोई इतनी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है अन्ना हजारे को लेकर, लोग इतने ज्यादा उत्साहित है, इतने ज्यादा खुश है, हर कोई ये चाहता है कि जाके उनके चरण स्पर्श करे, लेकिन सबके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। काफी ज्यादा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। अन्ना जी का यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से सम्मान किया गया, उनके पांच महिलाओं ने उनके चंदन लगाकर उनकी आरती उतारी, तिलक लगाया उन्हें। उसके बाद अन्ना जी खुद आए, उन्होंने अपने माता जी का उनकी तस्वीर लगी हुई है स्टेज पर आप देख रहे होंगे, उनको नमन किया उन्होंने, उनको अपने फूल अर्पित किए और साथ में महात्मा गांधी जी को भी उन्होंने नमन किया। और इसके अलावा अब अन्ना जी बैठे हैं यहाँ पर, कुछ राष्ट्रगीत कुछ देश प्रेम के गीत यहाँ पर फिलहाल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कुछ अध्यापक हैं, बाकी यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं वो तमाम लोग हैं, दूर दराज के लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र के तमाम जिलों से, इसके अलावा देश के और कई कोनों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सब लोग इस समय अन्ना को सुनना चाहते हैं। भूपेंद्र इस वक्त जब से अन्ना मंच पर पहुंचे हैं पहली बार उन्हें इस तरीके से थोड़ा मुस्कुराते हुए देख पा रहे हैं हम, क्या अन्ना भावुक हैं इसलिए आज थोड़े बदले बदले से दिख रहे हैं, या ये कमजोरी की निशानी है कि वो अभी भी रिकवर कर रहे हैं उस अनशन के इफेक्ट से? देखिए, अन्ना जो है, अन्ना ने कुछ देर पहले जब यहाँ पर लोगों ने उनसे बात की थी, जो उनसे करीबी है, जो उन्होंने उनके पास गए थे, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर ग्राम सरपंच का भी कहना है कि अन्ना जब अनशन कर रहे थे उस वक्त वो काफी लोगों के बीच में थे, लेकिन उन लोगों का उत्साह जो है वो अन्ना को कहीं से कमजोर नहीं होने दे रहा था। और आज फिर से ऐसा ही माहौल है कि जहाँ पर अन्ना लोगों के बीच में है। और जाहिर सी बात है, जब उनकी सुरक्षा को लेकर भी पूछा गया, एसपी ने उनसे पूछा कि आपकी सुरक्षा को लेकर मैं कुछ लोगों को लगाना चाहता हूँ पुलिस वालों को आपके साथ में, तो अन्ना ने उनसे साफ कह दिया कि मैं कॉमन लोगों के बीच में, मेरे जो अपने लोग हैं, मेरे जो गांव बंधु है, मेरे जो गांव के निवासी है, उनके बीच में मैं बहुत सहज और सुरक्षित महसूस करता हूँ, मुझे पुलिस के बीच में मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ। तो एक सहजता, मतलब उनको वो कहीं ना कहीं उनका करीबीपन दिखाता है, और जब उन लोगों के बीच में अन्ना होते हैं तो जाहिर सी बात है मुस्कुराहट उनके चेहरे पर अपने आप जैसे ही वो बाहर निकले थे तुरंत उनके चेहरे का जो रंग है वो एकदम से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे काफी ज्यादा अच्छे हो गए। हालांकि पहले वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, लगातार जो उनका मेडिकल चेकअप हो रहा था उनमें ये भी कहा जा रहा था कि वो आधे घंटे तक खड़े रहने की स्थिति में भी नहीं है, उन्हें विश्राम की जरूरत है, उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन आज ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों को बीच में पाकर अपने आप को अन्ना के अंदर फिर से एक नई जान आ गई। भूपेंद्र आप वहां मौजूद हैं और आपको थोड़ी बहुत जानकारी इस कार्यक्रम की मिली होगी, अन्ना के को सुनने के लिए अभी लोगों को और कितना इंतजार करना है? देखिए, यहाँ पर जो इनका प्रोग्राम शेड्यूल बनाया गया है उसके मुताबिक यहाँ पर एक मंडल आया हुआ है जो संगीत यहाँ पर फिलहाल राष्ट्रगीत पेश कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, स्कूल के विद्यार्थी, वो अपनी तरफ से एक गान राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा एक अध्यापक ने कुछ खास गाना अन्ना के लिए बनाया है, वो प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद अन्ना जो है लोगों को संबोधित करेंगे।
जी यानी भूपेंद्र अभी 10 से 15 मिनट हो लग सकते हैं अन्ना को बोलने में। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि ये जो लोग वहां पर हजारों की संख्या में मौजूद हैं, क्या कोई आंकड़ा निकल सकता है कि कितने हजार लोग वहां हैं और क्या ये सब रालीगढ़ सिद्धि के हैं या कहीं और से या देश के अलग अलग हिस्सों से भी आए हुए हैं?